हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। आज हम आपको दिखाते हैं गुजरात के गांवों की सैर कराते हैं। तो फ़िलहाल हम यहां से जा रहे हैं सोमनाथ टेंपल, और बीच का जो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। जगह जगह पे नारियल के पेड़ आप देख सकते हैं, बहुत बहुत मनोरम दृश्य है। मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना सुंदर अनुभव हमें हुआ। हम जब गुजरात में राजकोट एयरपोर्ट से उतर के हम सोमनाथ टेंपल के लिए जा रहे थे, उस दौरान का हमारा ये सफ़र है जो बहुत अद्भुत हुआ था। सो आप सब भी इंजॉय कीजिए, देखिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ गाइस कि यहाँ पे जो नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के नारियल होते हैं। एक बहुत छोटी साइज़ का नारियल मिलता है, एक मिड साइज़ का, एक उससे थोड़ा बड़ा और एक सबसे बड़ा होता है। उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल पीले कलर के होते हैं, कुछ गोल्डनिश होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, एंड ऑल आर वेरी गुड इन टेस्ट। तो जब भी आप गुजरात आएँ, आप छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया, ये नेचुरल ब्यूटी, लैंडस्केप कितना अच्छा है, ग्रीनरी है। और यहाँ पे हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ सब कुछ बहुत रश है, हर किसी को हर चीज़ की बहुत जल्दी है, जो कि यहाँ मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो बस चल रहा है हमारा सफ़र, सोमनाथ टेम्पल पहुँच जाएंगे। जल्दी मैं सोमनाथ टेम्पल की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, और आप सब मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप और कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे। गुजरात में जो हमारा ट्रिप था, वो हम राजकोट से सोमनाथ टेंपल गए, वहाँ पे हमने स्टे किया सागर दर्शन में, वहाँ की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। और उसके बाद में हमारा ट्रिप रहा द्वारकाधीश मंदिर के लिए, जो अपने आप में एक इतना मनोरम, अद्भुत, अविस्मरणीय मंदिर है, और हमारे प्रिय श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, वो उनकी नगरी है, और उनकी मर्ज़ी के बिना तो वहाँ पर कोई आ नहीं पाता। तो हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला कि उनके दर्शन कर पाए। कुल मिला के बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा। सो गाइस, बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे रास्ता साफ़ है, मौसम भी साफ़ है, हल्का फुल्का बारिश जैसा मौसम एक बार बीच में हो गया था, बट अभी मौसम हमें साफ लग रहा है। तो गाइज इंजॉय कर सकते हैं आप इस ब्यूटी को, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, कोई रश नहीं होता है, कोई भागम भाग नहीं होती है, सो इट्स वेरी इंजॉयबल, वेरी नाइस, अ परफेक्ट हॉलीडे वी कैन से। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, देखिए, वीडियो पसंद आए।